यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उधर रोहतक में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बीजेपी सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी हुड्डा से राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है वो केवल कोर्ट के माध्यम से हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री विदेश दौरे पर केवल ऐशो आराम के लिए जाते हैं, इन्हें कोई भी देश निमंत्रण नहीं देता, खुद ही निमंत्रण तैयार कर लेते हैं। इंसान वही कर्म पर दिया करता है कि आगे का कर्म किया जाएगा। और यहाँ पहुँचने तैयार है, सभी साथियों से निवेदन है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो आप ये देखो कि राज्यसभा का चुनाव था, सोनिया गांधी ने हिदायत के भेजा था पूछ लेना उनसे कि तुमने आर के आनंद के पक्ष में वोट डालने, इसने अपना वोट तक डाला नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे रहे हुआ आदमी अगर अपना वोट जो है ब्लैंक छोड़ कर के आता है तो फिर ऐसे लोगों के लिए राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने ही कार्रवाई करी है, सरकार ने नहीं करी। ये तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से मुकदमे दर्ज है। अरे आम विधानसभा में भी कहता हूँ, विधानसभा में कहता हूँ, बाहर कहता हूँ, इसलिए सपोर्ट कर रही है भाजपा इनको कि भाजपा आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहती होगी।